इंदौर के सेंटर कोतवाली थाना क्षेत्र में गाड़ी खड़ी करने को लेकर व्यापारियों में जमकर मारपीट और चाकूबाजी हुई है, जिसमें 7 लोग चाकू लगने से घायल हो गए। चाकूबाजी और मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पार्किंग को लेकर मकान मालिक और दुकानदार के बीच में विवाद हुआ था, उसी को रंजिश में रख के वहाँ झगड़ा किए थे, जिसमें से दोनों पक्षों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं और जिन्होंने मारपीट की है उनको भी गिरफ्तार किया गया है, कार्रवाई जारी है। क्या बैकग्राउंड था आपने? मैं जो घटना का कारण समझ में आया वो पार्किंग थी, पार्किंग को लेकर विवाद। सीसीटीवी में दोनों पक्ष आपस में झगड़ रहे हैं और एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं और उसी वजह से अपराध पंजीबद्ध किया। पूरी घटना इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के समीप बनी कॉस्मेटिक की दुकानों के बाहर की है। फिलहाल पुलिस मामले में गंभीरता से संज्ञान ले रही है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।